हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, क्या इश्क में मैं जो हूँ सीज़न 3 विदाउट हेलिशा आएगा या फिर विथ हेलिशा आएगा, तो बता दूँ फुल डिटेल मैं आप लोगों को इस वीडियो में फुल अपडेट बताती हूँ। सो या इस वीडियो के एंड तक बने रहेगा। सो गाइस, हमारी हेलिशा का आज ही फिलहाल मतलब रिसेंटली ही जो है इंटरव्यू हुआ था, वो लाइव आए थे एंड वो फिफा फुश टीवी चैनल पर वो लाइव जो है अपलोड किया हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हो। एंड बता दूँ आप लोगों, उस लाइव में हमारी हेलिशा से पूछा गया कि आप इश्क में मैं जो हूँ सीज़न 3 के बारे में क्या कहना चाहेंगी, इश्क में मैं जो हूँ सीज़न 3 के बारे में आप कुछ बताइए। तो उन्होंने कहा कि फैंस पहले जो है बहुत डिमांड कर रहे थे, यानी कि फैंस पहले हमारे पोस्ट पर, मतलब कि उन्होंने ऐसा तो नहीं कहा बट उनका कहने का, उन्होंने जो भी कहा उसका मीनिंग यही होता है कि फैंस जब हम लोग कुछ पोस्ट करते थे, जब ममता मैम, ममता यश पटनायक, मतलब कि ममता मैम, यानी कि ममता मैम इश्क में मैं जो हूँ सीज़न, इश्क में मैं जो हूँ के हर सीज़न की मेकर, तो वो जो है उनके पोस्ट पे बहुत सारे कमेंट्स आया करते थे कि आप प्लीज़ प्लीज़ लाइए इश्क में मैं जो हूँ सीज़न 3 को विद रियांश, राहुल त्यांट, हरीशा को कास्ट कीजिए, रिद्धिमा वंश को लाइए, रिद्धिमा वंश की स्टोरी हम लोगों को चाहिए। सो वही राहुल सुधीर ने कह दिया कि मुझे एक फ्रेश वाली स्टोरी चाहिए, तभी मैं इश्क में मैं जो हूँ सीज़न 3 में आना चाहूँगा, आना पसंद करूँगा, वरना मैं नहीं आऊँगा। सो हेलिशा का क्या कहना है, तो बता दो हेलिशा का कहना यही है कि हेलिशा जो है वो, हेलिशा ने यही कहा कि फैंस पहले बहुत डिमांड कर रहे थे, फैंस पहले बहुत ही डिमांड कर रहे थे, भर भर के डिमांड कर रहे थे, जबकि उनका डिमांड देखा नहीं जा रहा था। और हेलिशा को भी भर भर के मैसेजेस आया करते थे कि रिद्धिमा आप प्लीज़ इश्क में मैं जो हूँ सीज़न 3 में आइए, हेलिशा आप प्लीज़ इश्क में मैं जो हूँ सीज़न 3 में आइए। बट उसके बाद हेलिशा ने कहा जो इश्क में मैं जो हूँ सीज़न 3 की डिमांड शायद कम गई है या फिर डिमांड नहीं हो रही है, मैं अभी नोटिस तो नहीं करती हूँ, मैं तो अभी चेक नहीं करती हूँ। यानी कि हेलिशा पहले जो है मैसेजेस को देखती थी, पढ़ती थी, कमेंट्स को देखती थी, बट अभी वो देखती नहीं है, उनका कहने का यही मतलब है। एंड बता दूँ हमारे जो रियांश फैंस है वो पहले ऐसा करते थे, रियांश फैंस भर भर के कमेंट्स किया करते थे रियांश के लिए कि रियांश को लाओ, रियांश को लाओ, बट अभी थोड़ा ना थोड़ा जो रियांश फैंस कम गए हैं, मतलब कि फैंस नहीं कमे हैं बट जो फैंस की जो जोश है, जागरूकता जो है, मतलब जो हमारे फैंस के इसमें जो जोश है, हमारे फैंस कुछ भी जो कर सकते थे, ट्रेंड इतना सक्सेसफुल किया है रियांश, राहिल, राहिलियंस, आर्मी, हेलीहोलिक्स, इश्क में मैं जो हूँ सीज़न 2, इतना सब जो ट्रेंड हुआ है वो सब हमारे रियांश के फैंस ने किया है, ऑल फैंस ने मिल के किया है, तो ये सब भी फैंस ही मिल के कर सकते हैं। बट फैंस अभी, फैंस में जो जोश था, वो सारे जो चीज़ें थी वो सारी की सारी चीज़ें अब जो है घट चुकी है। एंड जो रियांश की गूगल सर्चिंग है वो थोड़ी सी अच्छी हुई है, थोड़ी सी हुई है, ज़्यादा नहीं हुई है। एंड जो हमारे जो रियांश फैंस है वो लोग जो है ज़्यादा वोट तो नहीं कर रहे। एंड बता दूँ रियांश फैंस जो है वो लोग ज़्यादा वोट तो नहीं कर रहे आइकॉनिक गोल अवार्ड्स पे, जितना चाहे मास वोटिंग लगा लो, जितना चाहे जो भी लगा लो, सारे के सारे चीज़ें में हमारे फैंस जो है पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, यानी कि हमारे फैंस जो है मतलब भर भर के वोट्स ऑन नहीं कर रहे। एंड हेलिशा का कहना यही है कि और उन्होंने जो लाइव पे उनसे होस्ट थी, जो उनसे सारे के सारे क्वेश्चन पूछ रहे थे, सो हमारी हेलिशा से पूछा गया कि आपका न्यू प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, तो उन्होंने कहा कि मैंने कोई शो लेके नहीं रखा है, मतलब कि यानी कि हम लोग कंफर्म हो गए कि हेलिशा का कोई शो नहीं आ रहा है। एंड फैंस अभी मान रहे हैं कि हेलिशा जो है वो, अगर वो अभी अगर ऐसा कर रही है म्यूज़िक एल्बम को लेकर अगर ऐसा कर रही है, तो हमारे जब इश्क में मैं जो सीज़न 3 आएगी तब भी वो ऐसे ही करेगी, ऑफ़र को जो एक्सेप्ट नहीं करेगी, फिर बोलेगी ऐसा नहीं, मैं अभी फ्री नहीं हूँ, ऐसा बहाना करेगी। ये सब क्या कर रहे हो गाइस, ये सब कोई करने की चीज़ें है? अभी हेलिशा सच में फ्री नहीं है एंड उनको कुछ पर्सनल प्रॉब्लम भी चल रहा है, ये उन्होंने खुद ही मतलब कि MKB लाइव म्यूजिक वाला ने खुद ही कहा था कि हेली का कुछ पर्सनल प्रॉब्लम चल रहा है। एंड हेलिशा जब इश्क में मजाओ सीज़न 2 की वजह से, मतलब शूटिंग की वजह से, जब वो सिलीगुड़ी पे थी, इश्क में मजाओ सीज़न 2 जब ऑफर होने पर था, तब उनको सारे प्रोजेक्ट्स के जो है ऑफ़र आ चुके थे, वहीं से ही उन्होंने जो है सारे के सारे ऑफर, जो कोई भी टीवी इंडस्ट्री पे जो भी पुराना एक्टर एक्ट्रेस होते हैं उन लोगों को जो है ऑफ़र आ जाते हैं, जब भी उनका कोई प्रोजेक्ट जब ऑफर हो जाता है या फिर वो ख़त्म हो जाता है, तब उनको जो है भर भर के ऑफर्स आते हैं। तो हेलिशा बहुत ही पुरानी टेलीविज़न की एक्ट्रेस है, तो उनको जो है ऑफ़र्स आते हैं,
और उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया म्यूज़िक एल्बम की जो ऑफ़र है पारस कलनावा के साथ करने की, वो उनको बहुत ही पहले से आ रखी थी इसलिए उन्होंने एक्सेप्ट किया था। और वो उन्होंने मतलब ऑल इन वन प्रोडक्शन हाउस वाले ने भी हम लोगों को कहा था कि वो हेली को बहुत पहले से ऑफ़र दे दिया गया था। एंड यही सारे अपडेट्स थे जो मैंने आप लोगों को, एंड फैंस ऐसा सोच रहे हैं हेलीशा के बारे में कि हेलीशा इसमें मजा सीज़न थ्री पर भी ऐसा ही करेगी, ऐसा ही करेगी वो एक प्रोजेक्ट का बहाना बना के। सो हेलीशा ऐसा नहीं करती है, आप लोग ही सोचते हो ऐसा। सो यही था बस अपडेट।